कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने आज कारगिल में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा है कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। यहां बात साफ है कि चीन ने भारत की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है, उन्होंने कहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है, लेकिन ये सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है और पीएम झूठ बोल रहे हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, न्यूज़ टॉक।